श्री सूक्त के पाठ से आपके जीवन में आएगी धन समृद्धि और संपन्नता। मां लक्ष्मी भर देंगी आपकी तिजोरी, लेकिन हर पूजा उपासना मंत्र जाप के साथ जुड़ी हुई होती है, संपूर्ण विधि भी। श्री सूक्त के पाठ को कैसे करें, सही विधि क्या होती है, चलिए आपको बताते हैं। वो चंचला है, वो विष्णु प्रिय है, वो धन की देवी है, देवी लक्ष्मी की आराधना के रूप में उन्हें समर्पित मंत्र श्री सूक्तम परम फलदायी है। शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ नियमित देवी लक्ष्मी के सूक्त श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास रहता है। जो श्री सूक्त का सुबह पाठ करता है, उसे कभी धन की कमी नहीं सताती है और न धन की कमी से उसका कोई काम रुकता है। श्री सूक्तम का पाठ करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम सुबह उठिए, अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद सफेद कपड़े, साफ कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना फेस करते हुए बैठ जाइए। आपको माता को लाल चुन्नी से सजाना है, माता का श्रृंगार करना है, माता को लाल फूल या लाल चंदन जरूर अर्पित करना है। इसके बाद आप पूरे परिवार के साथ श्री सूक्त का पाठ करें। याद रहे, श्री सूक्त का पाठ आपको शुक्रवार के दिन करना जरूरी होता है, और अगर शुक्रवार के दिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि श्री सूक्त के पाठ की विधि क्या है। माँ लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित करें, उसके सामने घी का दीपक जलाएं, इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें। हर श्लोक के बाद माँ लक्ष्मी को पुष्प या इत्र अर्पित करें। पाठ पूरा हो जाने के बाद माँ की आरती करें। माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि की पूजा जरूर करें। अगर रोज ऐसा ना कर पाए तो शुक्रवार या पूर्णिमा को इसका पाठ करें। अगर संस्कृत में पाठ ना कर पा रहे हो तो हिंदी में धीरे धीरे श्री सूक्त का पाठ करें। तो श्री सूक्त के 16 श्लोक दूर करेंगे आपकी आर्थिक मुश्किलें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर आप समय के अभाव के कारण या किसी और वजह से श्री सूक्त का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो एक श्लोक ऐसा है जिसका पाठ करके आप भी देवी की कृपा पा सकते हैं। कौन सा है वो श्लोक, जान लीजिए। ताम मा आह वह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। यानी हे जात वेदा अग्नि देव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आह्वान करने पर मैं सुवर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं। इस श्लोक का पाठ 108 बारी करना लाभकारी होगा और ये जाप स्फटिक की माला से किया जाएगा। श्री सूक्त के 16 श्लोक आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपकी धन की लकीर को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि इस पाठ को करने में आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।